क्या मैं स्लीपर का वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकता हूँ? जी हाँ, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन स्लीपर में नहीं। अगर आप थर्ड एसी का वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा करना है तो क्या आप थर्ड एसी में यात्रा कर पाएंगे? इस वीडियो में हम सारे जानकारी देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम है करण प्रताप, आप सभी को स्वागत करते हैं करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसलिए इस बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि मैं काउंटर से टिकट ले लेता हूँ, काउंटर से टिकट लेकर के और मैं चला जाता हूँ स्लीपर वाले डब्बे में बैठने के लिए, तो वहाँ पे स्लीपर वाले डब्बे में जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्लीपर वाले डब्बे में जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे रूल क्या दिया है वो समझते हैं सबसे। देखिए, अगर आप स्लीपर का टिकट लेते हैं, वेटिंग टिकट लेते हैं, वेटिंग टिकट लेते हैं और आपको कितना नंबर वेटिंग है, कितना भी नंबर वेटिंग है, लेकिन आपको वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में चले जाते हैं बैठने के लिए, तो वहाँ पर जिसका भी सीट कन्फर्म है उस बंदे को, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है आपको बैठने से, पूरा ही डब्बा खाली रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक उस गाड़ी में टीटी नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी प्रॉब्लम उसमें गाड़ी में नहीं होगा। जब टीटी आ जाते हैं तो आपको चेक करेंगे आपकी टिकट है कि नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं चलो इस बार मैं वेटिंग टिकट ले आऊँ उसको दे देंगे, तो वेटिंग टिकट लेने के बाद अगली स्टेशन जो आएंगे उसमें आपको उतार देंगे, उसमें उतारने के बाद आपको भेज देंगे किस में, स्लीपर वाले डब्बे में भेज देंगे। तो भाई वेटिंग टिकट की मान्यता यहीं तक ख़त्म हो जाता है। और थर्ड एसी का भी सोच लेते हैं, थर्ड एसी का टिकट बनाए हैं आपके पास, अगर वेटिंग है तो क्या थर्ड एसी में जा पाएंगे? थर्ड एसी में मैंने एक वीडियो बनाया था, थर्ड एसी में पुलिस वाले बैठ गया था वैसे ही सीट पे, तो उसको बाहर कर दिया टीटी ने, बोला कि आपको गवर्नमेंट नौकरी है तो क्या आप कहीं से भी सीट खाली मिले किसी के सीट पर जाकर बैठ जाओगे, तो उसको पुलिस वाले को भी बाहर कर दिया। तो जब आम आदमी कोई बैठते हैं तो उसको क्या हाल होगा? तो अगर आप सोचते होंगे कि मैं यात्रा करूंगा स्लीपर वाले में, तो आप सब घबराइए नहीं, स्लीपर वाले में आपको यात्रा करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जनरल में ही, लेकिन जनरल का डब्बे जो है बढ़ा दिया गया, अब चार चार डब्बे कर दिया, पहले तीन था, दो था आगे में, एक रहता था एक पीछे रहता था। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, देखिए अगर आप वेटिंग टिकट लिए हैं, ट्रेन चार घंटे से, चार घंटे ट्रेन जो चलते हैं उसे चार घंटे पहले आपको मैसेज आ जाता होगा, चार लिस्ट बनते हैं उसके बाद आपको मैसेज आ जाता होगा कि आपकी कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपकी टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो टिकट को कैंसिल करा करके आप अपना वेटिंग टिकट को हटा करके आप अपना जनरल टिकट ले सकते हैं। जनरल टिकट से ये फायदा हो जाता है, आपको पैसा भी थोड़ा सा उसमें बच जाता है और थोड़ा सा आपको दिक्कत के साथ आपको घर जाना होता है, या घर से ही आना होता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है। अगर आप सोचते होंगे कि मैं वेटिंग टिकट किसको काम आएगा, देखिए वेटिंग टिकट उसी को काम आएगा जिसका यात्रा थोड़ा सा पास में हो, जैसे कि 1000 किलोमीटर से कम का ही। तो आज जैसे शाम को गाड़ी पर बैठेंगे और वो दूसरे दिन कल सुबह 10-11 बजे वो पहुंच जाएंगे, उसको मतलब रात तो किस तरह से काटना है, रात गया तो बात गया, टीटी नहीं भी आता चेक करने के, तो आराम से भाई वो जा सकता है। अगर टीटी आ जाते हैं तो आपको उतार देंगे, आपको हटा देंगे, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको फाइन भी काटेंगे और फिर भी आपको उतार देंगे, क्योंकि ये रेल मंत्री का ही आदेश ऐसा दिया गया। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे मैं वेटिंग टिकट पर मैं यात्रा करूँगा, तो अब तो मैंने वीडियो बनाया था वेटिंग टिकट पूरी तरह से बंद हो चुका है और बहुत सारे रूट में वेटिंग टिकट अभी येलो है, वेटिंग टिकट पर अभी बोल रहे हैं, मेरा दोस्त भी आया था, बोला भाई वेटिंग टिकट वाले भी आ रहा है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, हर जगह से देख रहा हूँ, यूपी बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा कहीं भी देख रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ कुछ वेटिंग टिकट अभी चालू है लेकिन अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। आपके पास कोई फैमिली है, कोई महिला है, तो आपको वेटिंग टिकट पर यात्रा तो बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि महिला को वेटिंग टिकट पर तो अलाउ किया है, महिला वेटिंग टिकट पर जा सकते हैं लेकिन जेंट्स नहीं जा सकते हैं वेटिंग टिकट। हम ये आ जाता है कि अगर जेंट्स जाते हैं, अगर जेंट्स महिला जाते हैं तो उसके साथ अगर जो भी उसका पुरुष है वो जा सकते हैं, तो वो भाई सरकार को सब रूल देने चाहिए, जिस महिला को अगर वेटिंग टिकट लागू करे हैं तो उसके साथ में वो जा सके, कि बाद में ऐसा ना हो कि मामला कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सोचना चाहिए कि सरकार ने ऐसा रूल निकाल ही दिया है तो भाई उसमें भी कुछ कुछ प्रोसेस रहनी चाहिए ना। तो वेटिंग टिकट का यहाँ से रूल ये ख़त्म नहीं हो जाता है। और बहुत सारे बंदे क्या करते थे कि जनरल टिकट लेकर के, जनरल टिकट लेकर के, जनरल में ज़्यादा भीड़ थे, ज़्यादा उसमें महामारी चल रहे थे, तो जनरल टिकट लेकर के जाके स्लीपर वाले डब्बे में बैठ जाते थे, तो वहाँ पे जब तक टीटी नहीं आते थे तब तक तो भाई ऐसे आराम से जाते थे, उसको कोई दिक्कत ही नहीं था। जब टीटी आ जाते हैं तो उसके बाद उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, भाई मैंने टीटी तो मुझे देख लिया, मुझे लगता है चलान कटेगा कि क्या, उसको प्रॉब्लम होने लगता है।
तो फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो क्या आप यात्रा कैसे कर सकते हैं और यात्रा करने का क्या रूल है। अगर आप तत्काल टिकट बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा स्टेशन पर रह करके, उसके बाद ही आप तत्काल टिकट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबके मन में और कोई डाउट अभी क्वेश्चन है तो इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आप सभी कमेंट रिप्लाई देने को मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।